अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, होप यू आर फाइन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक हों, खैरियत से होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है और आज मैंने आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स का जवाब देना है, जो कि मैंने आपसे इंस्टाग्राम में पूछे थे कि आप लोग मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, मैं उनका जवाब दूंगा। और अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया था, जाकर लाजमी करिएगा। मैं वहाँ पर अपनी तमाम एक्टिविटीज़ दिखाता हूँ, वहाँ पर मैं अपनी वीडियोज़ बनाता हूँ, एडिटिंग वाली वीडियोज़ बनाता हूँ, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। और इसके अलावा फ़ोटोज़ भी डालता हूँ, यानी मेरी काफ़ी एक्टिविटीज़ यूट्यूब से ज़्यादा वहाँ पर होती हैं। यूट्यूब में तो ब्लॉग डलता है, अभी तक तो मैं डेली ब्लॉग में एक्टिव नहीं हुआ, बट जो मेरी बाकी एक्टिविटीज़ हैं वो इंस्टाग्राम में होती हैं। तो अगर आपने फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके कर लो। और अभी मैं सोया हुआ उठा हूँ, तो सोया हुआ उठा नहीं हूँ, ऑलमोस्ट 1 घंटा हुआ है मुझे उठे हुए, बट मैं लेटा हुआ हूँ। काफ़ी देर से फ़ोन यूज़ कर रहा था बेड पे लेटे हुए, तो बस अभी उठूँगा, फ्रेश वगैरह होऊंगा, तो सीधा मिलते हैं आपसे Q&A में। तो आप लोगों को पता है सुबह का टाइम है, और आज मज़े की बात कोई घर में है भी नहीं। मैं सुबह सवेरे डेली मिल्क शेक पीता हूँ, और जो मिल्क शेक का ये मिल्क शेक किस लिए पीता हूँ ये भी मैं बताऊँगा, क्योंकि इसका भी सवाल मेरे पास आया है, तो इसका जवाब मैं आपको Q&A में बैठ के दूंगा। पहले ये मैं केलों का मिल्क शेक बना लूँ, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। फाइनली जाके मिल्क शेक बन गया और हम इसे इसमें डालेंगे, थोड़ा सा बच गया, इसको इसी तरह पी लेते। अब मैं मिलता हूँ आपको सीधा Q&A में। तो आज मैं अपने रूम में नहीं बना रहा Q&A, बिकॉज मुझे इस रूम में काफी मजा आ रहा है, धूप भी लग रही है, बहुत अच्छी वाइब आ रही है, एस्थेटिक वाइब हो सकती हो आप, यानी एस्थेटिक Q&A। और ये बैकग्राउंड में वॉइस भी है, तो ये छल्ली वगैरह की वॉइस आएंगी क्योंकि मैं खिड़की के पास बैठा हूँ इस वजह से, बट ये है कि नाइस। तो अपना Q&A स्टार्ट करते हैं। मैंने काफी मुश्किल से एक फोन ढूंढा है जिसमें मैंने आपके सवाल सेव करके रखे हुए थे, तो यहाँ से देख देख के मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। पहला सवाल था मुझे कि व्हाई यू चेंज योर लुक। अच्छा वैसे बाय द वे मुझे ये बताओ कि मेरी लुक बिल्कुल ही अच्छा, इस जो ये आवाज़ इसको इग्नोर करते हैं और हम आपस में बातें करते हैं, आप मेरी बातें सुने, मैं बातें करता हूँ, ठीक है। आप पहले मुझे ये बताओ कि आपको मेरी लुक बहुत ज़्यादा ही क्या घटिया लगी है, क्या है जो ज़्यादा वो हो गया। बट मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि मैंने लुक अपनी इसलिए चेंज की है क्योंकि मुझे थोड़े से पिंपल्स वगैरह थे, यानी थोड़ी पिगमेंटेशन वगैरह थी, तो और उसका ट्रीटमेंट कराते थे, उस वजह से मुझे थोड़ा सा लुक नहीं चेंज करनी पड़ी, अपनी बियर्ड ऑफ करनी पड़ी है, तो ये वजह है इसकी। हालांकि मैंने पिछले व्लॉग किसी अगर जिसने पिछला व्लॉग नहीं देखा वो जाके पिछला व्लॉग देखे, मैंने पिछले व्लॉग में बताया भी है कि वाई आई चेंज माई लुक। तो ये जवाब था इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेवरेट बैट्समैन इन पाक टीम। मेरा जो फेवरेट बैट्समैन है इस टाइम करंट पाकिस्तान में वो बाबर आजम है। अगर होल वर्ल्ड में देखा जाए तो पहले नंबर में कोहली है, सेकंड में बाबर आजम आता है, तो पाकिस्तान में मेरा बाबर आजम है और इंटरनेशनल में विराट कोहली है, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन है आपका सॉन्ग कब आएगा। यार मेरा सॉन्ग मैं इधर गाने बैठ गया तो आप लोगों ने कॉपीराइट स्ट्राइक मारना स्टार्ट कर, रिपोर्टें करना स्टार्ट कर देनी है मेरी आवाज़ सुन के, तो आप लोग ऐसी पत्नी किस तरह बर्दाश्त कर रहे हो मेरी वॉइस आप लोग, तो देखते हैं गाना कब आएगा। अच्छा मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन आया आप कहाँ से हैं। मैं हूँ रावलपिंडी से, काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं आप कराची से हो, बाय द वे आई एम नॉट फ्रॉम कराची, मैं कराची से नहीं हूँ, मैं कराची जाता रहता हूँ, काफ़ी बार जाता रहता हूँ, अगर कोई काम वगैरह हो तो तब जाता हूँ, बट मैं बेसिकली रावलपिंडी से हूँ। और काफ़ी लोगों को नहीं पता था मैं रावलपिंडी से हूँ, बट अब आप लोगों को मैंने बता दिया जो जो यहाँ देख रहा है, तो मैं रावलपिंडी से हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सिंगल हो या मिंगल। तो इसका जवाब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह 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 आई एम सिंगल।
हसदे चेहरिया का मतलब यह नहीं हों कोई तकलीफ नहीं होंगी yeah, मतलब यह हों की तकलीफा ना डील करना होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कितने सिबलिंग्स हो? तीन भाई हैं। भाइयों में मैं सबसे बड़ा हूँ और मुझसे दो बड़े सिस्टर्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबकी शादी हो रही है, आप कब करेंगे? तो है कोई नजर में आप लोगों की तो बताएं मुझे, कर लेंगे हम लोग भी। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। शादी वगैरह तो ये सवाल इसको छोड़ते। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर यू सो क्यूट? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। सीरियसली मैं बताता हूँ, आई एम नॉट सो क्यूट। मैं हैंडसम बनना चाहता था, पत्नी लोगों ने क्यूट बना के रख दिया, तो आई एम नॉट क्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाम फेवरेट मूवी? वालेकुम सलाम। अच्छा, फेवरेट मूवी जो है वो मेरी कोई फेवरेट मूवी नहीं है, क्योंकि अच्छा एक बात मैं सबको बता दूं, मेरे अंदर फेवरिज्म नहीं है कि मुझे ये पसंद है वो पसंद नहीं है। मैं हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ, हर चीज़ में एडजस्ट हो जाता हूँ मैं। मेरी आदत है कि कोई भी चीज़ मिले उस चीज़ को मैं अपने आप में एडजस्ट करता हूँ या अपने आप को उसमें एडजस्ट करता हूँ। तो कोई चीज़ फेवरिज्म नहीं है, कुछ भी खा लेता हूँ, कुछ भी मिले तो उस टाइम पहन लेता हूँ, या कुछ भी देखना हो तो देख लेता हूँ, तो नो फेवरिज्म। मेरा जो फेवरेट बैट्समैन है इस टाइम करंट पाकिस्तान में वो बाबर आजम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ वेयर आर यू? अबे चांद पे है मैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी पेपर्स में चीटिंग की है? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा टाइम नहीं आया कि जब चीटिंग ना की हो। चीटिंग की भी है और करवाई भी है चीटिंग। यार कोई भी दूध का दूल्हा नहीं, तो मैं यहाँ पे सच बोलूंगा, क्योंकि मैं आपको क्यों एन ए देने हो, मैं क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो झूठ बोलने का फायदा नहीं है। हर कोई, हर इंसान चीटिंग करता है, हाँ, बट इतनी नहीं कि बस की है चीटिंग और करवाई भी है बहुत ज्यादा, यानी अदला बदला बहुत किया मैंने। अरे कहना क्या चाहते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने आप को बर्गर क्यों कह रहे हैं? मैं अपने आप को बर्गर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल मेरी लुक बिल्कुल बर्गर्स वाली हुई है। मोस्टली बर्गर्स इस तरह की लुक करवाते हैं, शेक लिंक शेक वगैरह करवाते हैं। मेरे हिसाब से मैं ये नहीं कह रहा कि बर्गर कोई बुरी चीज़ है, बर्गर भी एक अच्छी चीज़ है जो हर कोई खा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहाने बहाने से कभी स्कूल से छुट्टी की है? जी हाँ, बहुत बहुत बार बहाने बहाने से छुट्टी की है। और तो और यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि आपने कभी स्कूल से बंक किया है, वरना वो भी मैं बताता कि किया है कि नहीं किया, बट यहाँ पे क्वेश्चन मुझे मिला नहीं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियर्ड वर्सेस नो बियर्ड ट्रांसफॉर्मेशन? तो हाँ, मैं ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह बनाते हैं, तो अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो जाकर कर लो, वहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्मेशन बनाता हूँ। तो बियर्ड वर्सेज नो बियर्ड ट्रांसफॉर्मेशन भी बनाएंगे, काफ़ी मजे की होगी। अभी तो मेरी बियर्ड नहीं है, तो जब बियर्ड आएगी दोनों बनाएंगे, मैं मैनेज कर लूंगा उस चीज़ को, तो सून आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेवरेट फूड? तो फिर वही बात आ गई, फेवरेट फूड कुछ भी नहीं है फेवरेट, सब कुछ खा लेता हूँ मैं। बट ये है कि अगर बिरयानी पड़ी हो सामने, सब कुछ खा लेता हूँ मैं यार, पता नहीं क्या सोचने पर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट और फुटबॉल? तो फुटबॉल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप क्या काम करते हैं? तो मैं पूरा दिन घर में होता हूँ, उसके अलावा मैं पूरा दिन लेटा रहता हूँ, उसके अलावा मैं लेटा रहता हूँ, उसके अलावा मैं खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, वेला रहता हूँ। सबसे बड़ा काम ये है मेरा, तो इसके अलावा और कोई काम नहीं है मेरा। बताऊंगा किसी दिन मेरा क्या काम है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूर एम्बेरसिंग मोमेंट? अब इतने मोमेंट हैं कि क्या बताऊं यार, बहुत ज़्यादा सारे एम्बेरसिंग मोमेंट ही हैं मेरी लाइफ में, आज से ज़्यादा तो एम्बेरसिंग मोमेंट ही हैं। पता नहीं क्यों है, मेरी किस्मत माड़ी है क्या, इतना डेट हो गया हूँ मैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वीडियो कौन सी वायरल हुई थी? तो मेरी फर्स्ट वीडियो, मैं स्टार्टिंग में ट्रांजिशन वगैरह स्लोमो वगैरह नहीं बनाता था, मैं एक पंजाबी स्टेज ड्रामे वाली वीडियोस बना रहा था, साजन अब्बास की वीडियो थी, स्लो मोशन वगैरह। उस टाइम मैं स्लो मोशन वगैरह बनाता था, आजकल मैं स्लो मोशन ट्रांजिशन वगैरह बनाता हूँ। तो स्लो मोशन वगैरह वाली एक हुई थी, काफ़ी मज़ेदार सी थी। अगर आप लोग मेरे टिकटॉक में काफ़ी नीचे जाओगे तो आपको वो वीडियो मिलेगी। तो उस टाइम भी मुझे काफ़ी मज़ा आया था, बट फिर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया अपना थीम, तो मैंने ट्रांजिशन वगैरह बनाना स्टार्ट कर दी, स्लो मोशन वगैरह टू स्लो मोशन ट्रांजिशन में आ गया मैं। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या साहिल इंगेज्ड है?
नहीं, साहिल भी मेरी तरह कवारा फिर रहा है, बट अल्लाह करे हम सब की शादियां, हम सब की नहीं, अल्लाह करे साहिल की शादी जल्दी से जल्दी कर दे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्यूब पे चैलेंज वीडियो करें कोई? जी हाँ, जरूर करूंगा चैलेंज वीडियो। आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि किस तरह का चैलेंज चाहिए आपको, कोई आइडिया वगैरह दे, मेरे दिमाग के पल्ले पड़े तो मैं उस तरह की वीडियो बनाऊं और उस तरह का चैलेंज करूं। तो आप लोगों ने लाजमी नीचे कमेंट करके बताना है कि किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए मुझे। और मेरा मिल्क शेक आई थिंक गर्म होने लगा धूप में पड़े पड़े। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इतनी अच्छी वीडियोज बनाने का आइडिया कौन देता है? तो मैं इतनी अच्छी वीडियोस जो बनाता हूँ उसके लिए सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने तारीफ की। और जो आइडिया की बात है, मैं ऑब्जर्वेशन वगैरह काफ़ी करता हूँ, मैं चीज़ों को डिस्कवर यानी चीज़ों को बहुत ऑब्जर्व करता हूँ, यहाँ वहाँ से देखता हूँ। और उसके अलावा आइडिया क्रिएट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है चीज़ को, तो मैं वो टाइम देता हूँ तब जाके मेरी वीडियोज़ में इतना ज़्यादा क्रिएटिविटी आती है, तो मेरी वीडियोज़ इस तरह बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैट और डॉग लवर? तो रखे तो मैंने कुछ भी नहीं है, ना कैट रखे ना डॉग रखे, हालांकि कैट तो हमारे मोहल्ले में बहुत फिरी होती है, डॉग भी बहुत फिरे थे, बट अगर देखा जाए, अगर मुझे मौका मिले रखने का तो मैं डॉग रखूंगा, बिकॉज वो काफ़ी वफादार होते हैं, तो आगे आप समझ जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर सपोर्ट सिस्टम? तो मेरा सपोर्ट सिस्टम आप लोग ही हो, जो लोग इस टाइम देख रहे हैं मुझे, जो कमेंट कर रहे हैं, जो लाइक कर रहे हैं, जो मेरे वीडियो शेयर कर रहे हैं, आप लोग ही मेरा सपोर्ट सिस्टम हो, आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। आज आप लोगों की वजह से मैं यहाँ पे हूँ, मैं इस काबिल हूँ कि मैं YouTube की वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहें और प्यार बरसाते रहें इसी तरह, और मैं भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा, अच्छे अच्छे कॉन्टेंट लाता रहूँगा, तो इसी तरह आप लोग मेरे साथ रहिए। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन, एंड थैंक यू सो मच हैदर फैम टू, क्या आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, लव यू ऑल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी अयाज ने पूछा है, कैन यू स्लैप साहिल फॉर 150 रुपीज? इजी पैसा का नंबर पता है ना मेरा अयाजी, भेज दे मुझे। ये कोई तो काम ही नहीं है, तू मुझे वैसे भी बोलता ना तो मैं वैसे करा देनी थी, लेकिन नहीं, वो भी मेरी जान। अगर तुम 150 रुपये में साहिल, फात, अली तीनों का भी कहते ना, तो मैं 50-50 रुपीज़ में पर स्लैप मार लेता, तुमने तो बहुत ज़्यादा महंगा रेट दे दिया है। जस्ट शॉकिंग। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके हेल्दी हेयर्स का राज क्या है? अभी मैंने टोपी पहनी, मेरे बाल काफ़ी छोटे हैं, बट मेरे हेल्दी हेयर्स का राज सॉरी मेरे हेल्दी हेयर्स का राज ये भी है कि क्या कहते हैं, जब भी आप बाहर निकलो, मोस्टली अगर आप बाइक वगैरह चलाते हो या बाहर निकलते हो, तो अपने सर पे कैप वगैरह पहन लो, या अपने सर को लाजमी ढांपो अगर आपने बाल बड़े रखे हैं। और उसके अलावा हफ्ते में 2 से 3 बार ऑयलिंग रात के टाइम करो। ऑयलिंग से ये होता है कि आपके बालों में से जो ऑयल ख़त्म होता है, खुश्की आ जाती है, तो वो ऑयल की कमी पूरी करता है और मजबूत रखता है बालों को, और डैमेज नहीं होने देता। इसके अलावा बालों को शैम्पू से कम वॉश करो, या कोई ऐसा शैम्पू यूज़ करो जिसमें केमिकल वगैरह ना हो। तो इस तरह बालों का केयर करना, और बाय द वे मैं इतना केयर नहीं करता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने वेट इतने जल्दी कैसे गेन किया? तो इसका क्वेश्चन ये है कि वेट जल्दी गेन नहीं किया, आप लोगों को शायद बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा हूँ, अगर अच्छा भी बड़ा लग रहा हूँ तो माशाल्लाह बोल देना। ये था इसका जवाब कि मैं सुबह सवेरे जब उठते साथ ही मिल्कशेक वगैरह पीता हूँ, तो उसमें दूध वगैरह, केले, और अगर आप कुछ करो पीनट बटर डाल दो, सही होगा, आपकी प्रोटीन थोड़ी ज़्यादा पूरी हो जाएगी। और इसके अलावा सबसे मज़े की बात यह है कि अगर आपने वेट गेन करना है तो वर्कआउट वगैरह लाजमी करना। तो ये था इसका क्वेश्चन कि मिल्क शेक वगैरह डेली सुबह सवेरे पिया करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ए आधा लीटर पूरा मिल्क शेक का पी जाता हूँ। क्या कहते हैं, अगर वेट गेन के लिए आपको अलग से स्टोरी चाहिए कि मैंने कैसे अपनी फिजिक को ग्रोथ किया, तो उसके लिए मैं अलग से यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा, आप लोग मुझे कमेंट करें अगर आप लोगों को चाहिए मेरी वेट गेन की स्टोरी चाहिए। तो ये थी मेरी Q&A सेशन, काफ़ी ज़्यादा और क्वेश्चन भी थे, लेकिन बट सेम ही थे, काफ़ी लोगों ने सेम क्वेश्चन पूछे थे इसलिए, और जो मेजोरिटी क्वेश्चन थे, जो मतलब एक जैसे क्वेश्चन थे, वो मैंने यहाँ पे सामने ला के रखे हैं आपके। ये था मेरा Q&A सेशन, उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा, और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो। और क्या कहते हैं, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंशाल्लाह मिलेंगे आपको नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।